नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अंग्रेजी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था अंग्रेजी के शब्दकोश के बारे में, उसके व्याकरण के बारे में, वॉवल्स के बारे में और आर्टिकल्स के बारे में। इसी जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको शब्द दूंगी हिंदी में, जिसकी अंग्रेजी लिखने की आप कोशिश करेंगे। यस दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने एक कॉपी बना ही लिया होगा अंग्रेजी सीखने और पढ़ने का। यस दोस्तों, तो लिखिए, ये शब्द कुछ इस प्रकार से हैं: सेब, पेड़, फूल, मग, मोमबत्ती। मैं रिपीट करती हूँ: सेब, पेड़, फूल, मग, मोमबत्ती। यस दोस्तों, तो इन सब की अंग्रेजी लिखने की आप कोशिश कीजिए। यस दोस्तों, सेब यानी एप्पल, पेड़ यानी ट्री, फूल यानी फ्लावर, मग यानी मग, और दूसरा है दोस्तों मोमबत्ती यानी कैंडल। यस, तो चलिए इसकी स्पेलिंग भी मैं आपको बता देती हूँ: APPLE एप्पल, TREE ट्री, CANDLE कैंडल, FLOWER फ्लावर, MUG मग। यस दोस्तों, यदि इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने को दिया जाए तो बड़ा ही आसानी से हम हिंदी में तो वाक्य बना ही लेंगे। जैसे कि यह एक पेड़ है, यह एक एप्पल है, यह एक मोमबत्ती है, यह एक मग है, यह एक फूल है। यस दोस्तों, कितनी आसानी से हमने हिंदी में वाक्य बना लिए। इसी की यदि अंग्रेजी हमें बनानी है, अंग्रेजी में वाक्य बनाना है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे: दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ मग। यस दोस्तों, तो इन सारे वाक्यों में आपने क्या देखा कि शब्द तो है ही, शब्दों के अलावा आपने ए एन या अ का भी इस्तेमाल किया है और उसके भी आगे आपने दिस और इस का इस्तेमाल किया है। तो शब्दों का ज्ञान तो हमें लगभग है ही, या हम सीख ही जाएंगे। अ और एन की नॉलेज मैंने आपको पिछले क्लास में दी ही थी। तो दिस और इज, ये शब्द कहाँ से आए या इसे हम कैसे लगाते हैं, आज इसकी जानकारी, इसका नॉलेज हम सीखेंगे। यस दोस्तों, तो चलिए इन्हीं शब्दों पर हम आते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको ऐसे शब्द दूंगी जो हम डेली यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। यस दोस्तों, तो चलिए पहला वर्ड है दिस, THIS दिस। दिस का मतलब होता है यह। यस, तो इससे हम किस तरह से वाक्य बना सकते हैं: दिस इज एन एप्पल, यानी कि यह एक एप्पल है। THAT दैट, दूसरे शब्द पर आते हैं THAT दैट। दैट का क्या मतलब है? दैट का मतलब है वह। वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। पेड़ कुछ ही दूरी पर है, हमसे कुछ ही दूरी पर वह पेड़ है, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? दैट इज अ ट्री, यानी कि वह पेड़ कुछ ही दूरी पर है। यस दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं THERE, there का मतलब होता है वहाँ। वहाँ पर एक मोमबत्ती रखी है, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देयर इज अ कैंडल। यस दोस्तों, दूसरे वर्ड पर आते हैं HERE, हियर। हियर का क्या मतलब है? हियर मतलब यहाँ, जो चीज़ हमारे काफ़ी पास है, काफ़ी नज़दीक है, उसे हम क्या कहते हैं? HERE हियर। तो इससे किस तरह से वाक्य बन सकता है? हियर इज अ मग, यानी यहाँ पर एक मग रखा है। हियर इज अ मोबाइल, यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है। देयर इज अ मोबाइल, यानी वहाँ पर मोबाइल एक आपके पास भी है। तो हियर और देयर। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरे शब्द पर आते हैं HE, ही का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं आदमी के साथ या फिर लड़कों के साथ। जब हम बॉयज या मैन की बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? HE का। जब उसे हम एड्रेस करते हैं, उन्हें हम एड्रेस करते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? HE, जैसे ही इज अ बॉय। यस दोस्तों, वह एक लड़का है। नेक्स्ट SHE, she पर आते हैं। शी का मतलब है लड़कियों के लिए या औरतों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ वुमेन। यस दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं IT पर। तो जहाँ पर ही और शी नहीं लगता है, जहाँ पर किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में, निर्जीव चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? IT. यस दोस्तों, तो इन सारे शब्दों को हमने और एक बार रीड आउट कर लेते हैं: दिस, दैट, हियर, देयर, ही, शी, इट। यस दोस्तों, दिस, दैट, हियर, देयर, ही, शी, इट।
यस दोस्तों, तो ये सारे शब्द काफ़ी कॉमन है। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है टी एच ई आर ई देयर शब्द के साथ। बहुत जगह हम टी एच ई देयर शब्द टी एच ई आर ई देयर और टी एच ई आई आर देयर को कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत जगह पर गलत शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट टी एच ई आई आर का मीनिंग बता देती हूँ। टी एच ई आई आर देयर का मतलब है वे लोग। टी एच ई आर ई देयर का मतलब तो मैंने आपको बताया ही, इसका मतलब होता है वहाँ, और टी एच ई आई आर का मतलब होता है देयर यानी वे लोग, देयर्स। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये डाउट आपको आज क्लियर हो गया होगा और आपके नॉलेज में दोनों के डिफरेंस को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। यस दोस्तों, तो यदि इतनी दूर तक आपको यदि आज की क्लास समझ में आ गई है तो मैं जल्दी से आपको कुछ शब्द दे देती हूँ जो कि जिससे कि आपकी अंग्रेजी का शब्दकोश बढ़ेगा, अंग्रेजी की वोकैबुलरी बढ़ेगी। यस दोस्तों, तो फटाफट से मैं एक टॉपिक पर शब्द दूंगी ताकि उस टॉपिक पर आपको शब्दों का ज्ञान भी हो जाए और आपका नॉलेज उसमें बढ़ जाए। यस दोस्तों, तो लिखिए आज मैं आपको शब्द दूंगी डे के ऊपर, डे यानी दिन के ऊपर। यस, तो लिखिए दोस्तों डी ए वाई डे पहला शब्द है। इन शब्दों से आप वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा घर पर। यस, ये आपका होमवर्क रहता है नेक्स्ट क्लास में, जब मैं जरूर पूछूंगी आपसे कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं। यस दोस्तों, तो चलिए फटाफट से हम ये शब्द लिख लेते हैं। तो डे के ऊपर शब्द है डी ए वाई डे, डे यानी दिन। दूसरे शब्द पर आते हैं मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह। नेक्स्ट आते हैं ब्रेकफास्ट पर, बी आर ई ए के ब्रेक एफ ए एस टी फास्ट, ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ब्रंच पर, बी आर यू एन सी एच ब्रंच, ब्रंच यानी सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में जो छोटी सी भूख हमें लगती है, जो छोटी सी थोड़ी सी कुछ खाने की इच्छा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रंच कहते हैं। यस दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं आफ्टरनून, ए एफ टी ई आर आफ्टर एन डबल ओ एन नून, आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी दोपहर। यस दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं लंच, एल यू एन सी एच लंच, लंच यानी दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं। यस, तो तीसरे वर्ड पर आते हैं इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं टी टाइम पर, टी ई ए टी टी आई एम ई टाइम, टी टाइम यानी शाम को जब हम चाय नाश्ता लेते हैं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टी टाइम। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं दूसरे वर्ड पर डिनर, डी आई एन एन ई आर डिनर, रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। दूसरे वर्ड पर आते हैं दोस्तों नाइट, एन आई जी एच टी नाइट, नाइट यानी कि रात। दो इससे रिलेटेड और भी दो शब्द हैं, वो भी आप फटाफट से लिख लीजिए। लिखिए डी यू एस के डस्क, यानी जब शाम और रात का मिलन होता है तो उस बेला को, उस गोधूली बेला को क्या कहते हैं, डी यू एस के डस्क। और एक शब्द इसी प्रकार का है, जब रात से सुबह होती है वो जो भोर की बेला है उसे हम कहते हैं डॉन, डी ए डब्ल्यू एन डॉन। यस दोस्तों, आशा करती हूँ ये सारे शब्द आपने लिख लिए होंगे और इसका वाक्य भी आप जरूर बना के रखेंगे। यस दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आपका कुछ ज्ञान बढ़ा कि नहीं, आपको कुछ जानकारी मिली कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक अवश्य दें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।